बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या सिन्हा का गुरुवार को मुंबई में 71 साल की उम्र में निधन हो गया। विद्या कुछ दिन पहले दिल और फेफड़े संबंधी समस्या के कारण जुहू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने आज दोपहर 1 बजे अंतिम सांस ली। विद्या आखिरी बार कुल्फी कुमार बाजेवाला सीरियल में नजर आई थी। इस सीरियल में विद्या ने सिकंदर की माँ का रोल निभाया था। उन्होंने कई फिल्मों छोटी सी बात, रजनीगंधा, पति पत्नी और वो में काम किया था। वे 2011 में आई फिल्म बॉडीगार्ड में भी नजर आई थीं। वैवाहिक जीवन में परेशानियों से जूझ ही विद्या का जन्म मुंबई में 15 नवंबर 1947 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रताप राणा एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने फिल्म निर्देशक मोहन सिन्हा की बेटी से शादी की थी। विद्या जब 18 साल की थी तभी उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। उनका वैवाहिक जीवन परेशानियों से गुजरा। विद्या का पहला विवाह 1968 में वेंकटेश्वरन अय्यर से हुआ था। इस दौरान उन्होंने एक बेटी जाह्नवी को गोद लिया। 1996 में अय्यर के निधन के बाद उन्होंने जून 2001 में नेताजी भीमराव सालुंके के साथ विवाह किया था, लेकिन 2009 में उनका तलाक हो गया।